Assalamualaikum, this is Amir Rafiq from 5G Properties, जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी का नंबर वन सेल्स पार्टनर है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिलेगी। आए टाइम वेस्ट किए बगैर ओवरसीज सेंट्रल के डॉक्टर्स इनक्लेव के ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं इसी वीडियो में। आए चलते हैं गूगल अर्थ के ऊपर। मई 2022 की लेटेस्ट इमेजरी अपडेट हुई है गूगल अर्थ के ऊपर, उसके हिसाब से डॉक्टर्स एनक्लेव को हम एनालाइज करेंगे इंच बाय इंच और स्ट्रीट बाय स्ट्रीट। एग्जैक्टली मैप को गूगल अर्थ के ऊपर प्लेस किया गया है। बॉटम साइड के ऊपर स्ट्रीट्स आप देख सकते हैं 7 मरला की और 10 मरला की, जिसमें 7 मरला की स्ट्रीट्स को डेवलप कर दिया गया है, वो बिल्कुल करेक्टली मैप को रेसिप्रोकेट कर रही हैं। गूगल अर्थ की इमेज को आप जब ड्रोन फुटेज के साथ एनालाइज करते हैं तो ये जो एरिया रेड लाइन की राइट साइड के ऊपर है वो अनडेवलप्ड है। अनडेवलप्ड भी है और लैंड भी एक्वायर्ड नहीं है। इस नॉन एक्वायर्ड लैंड के ऊपर कुछ मकान भी बने हुए हैं, जिसको आप कुछ देर में अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे। सेंट्रल की बैलेटिंग के टाइम डॉक्टर्स इनक्लेव हॉट फेवरेट था, उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, जबकि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने डॉक्टर्स इनक्लेव को अभी तक सेल आउट नहीं किया हुआ। आई रिपीट, डॉक्टर्स इनक्लेव को अभी तक सेल आउट नहीं किया हुआ, क्योंकि इसकी मैप की काफ़ी ज़्यादा रीअलाइनमेंट होनी है। आप देख सकते हैं जहाँ पर 10 मरला की स्ट्रीट्स हैं डॉक्टर्स इनक्लेव में, वहाँ पर एक झील भी मौजूद है। डॉक्टर्स इनक्लेव के 4 और 8 मरला कमर्शियल की आधी ज़मीन के ऊपर मकानात बने हुए हैं, ये ज़मीन अभी तक एक्वायर्ड नहीं है। जबकि डॉक्टर्स इनक्लेव की 10 मरला की एक भी स्ट्रीट डेवलप नहीं है, क्योंकि वहाँ पर झील है और उसकी मैप की करेक्शन होना है। ये लेन्स जो आप नीचे देख सकते हैं ये एक कनाल की है, जिसमें से लेन नंबर 6 अप्रॉक्सीमेटली 80-85% डेवलप्ड है और बाकी लेन जो हैं एक कनाल की वो तकरीबन 50-30% डेवलप्ड हैं। जबकि स्ट्रीट 2-5 100% डेवलप्ड है और स्ट्रीट नंबर 6 जो है अप्रॉक्सीमेटली 70% डेवलप्ड है। स्ट्रीट नंबर 70 अप्रॉक्सीमेटली 20-30% डेवलप्ड है। वजह ये है कि पीछे एक झील आ रही है। लोकेशन वाइज बहुत ही प्राइम लोकेशन पर गेट प्रेसेंट मोटरवे इंटरचेंज से डायरेक्ट इंट्रेंस के ऊपर सबसे पहला जो ब्लॉक आ रहा है वो डॉक्टर्स इनक्लेव ही है। इसकी मास्टर प्लान पर करेक्शन अभी होना है, इसको अभी तक सेल आउट नहीं किया गया और इसकी करंट डेवलपमेंट स्टेटस आपके साथ शेयर कर दी गई है। अगर आपको ये डॉक्टर्स इनक्लेव का रिव्यू पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम चलते हैं सेक्टर एफ की तरफ। सेक्टर एफ की बैलेटिंग हुई है, लोगों को प्लॉट्स की अलॉटमेंट हुई है और यहाँ पर डेवलपमेंट की क्या फेजेज हैं आज हम इसको इन डेप्थ एनालाइज करेंगे। ये जो आप मकान देख सकते हैं ये 180 फीट रोड के अंदर आ रहा है, जबकि ये छोटा सा जो रूम आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं झील के साथ, ये 4 और 8 मरला की कमर्शियल की पट्टी है। 4 और 8 मरला कमर्शियल सेक्टर एफ के। सरप्राइजिंगली सेक्टर एफ में गूगल अर्थ के ऊपर जब आप यहाँ पर इमेज को टैली करते हैं तो इस मकान के आगे एक काफ़ी बड़ा एरिया है जिस पर कटिंग नहीं हुई, जबकि लेटेस्ट ड्रोन फुटेज के ऊपर आप देख सकते हैं इसके मकान के थोड़े से एरिया के बाद ही कटिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको गूगल अर्थ के ऊपर रख के मैप बताया था कि यहाँ पर 60% काम नहीं हुआ, जबकि 7 मरला की स्ट्रीट्स के ऊपर भी काम नहीं हुआ। गूगल अर्थ के ऊपर इमेज को जब आप टैली करें तो उसके ऊपर आपको ये लग रहा था, जबकि सरप्राइजिंगली यहाँ पर 7 मरला की तकरीबन तमाम स्ट्रीट्स की लैंड एक्वायर्ड हो चुकी है। 7 मरला के 3-4 प्लॉट्स के अलावा जब यहाँ पर स्ट्रीट्स की कटिंग होगी तो आपको एग्जैक्टली तभी बता सकेंगे कि कितने प्लॉट्स इस इशू में आ सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर ड्रोन फुटेज के ऊपर आप जब मैप रखते हैं तो आपको ये आइडिया होता है कि 7 मरला का तकरीबन 90-95% लैंड क्लियर है। जबकि पार्ट 1 में गूगल अर्थ के ऊपर जब आप इमेज रख के एनालाइज कर रहे थे तो आपको यही लग रहा था कि 7 मरला की तकरीबन 1-2 स्ट्रीट्स के अलावा तमाम ही स्ट्रीट्स के ऊपर काम नहीं हुआ, वहाँ पर कटिंग एंड फिलिंग का काम नहीं हुआ। सेक्टर एफ प्राइम एग्जांपल है कि अगर आप जस्ट गूगल अर्थ के ऊपर रह के रिलाई करेंगे अपने एनालिसिस के ऊपर तो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इसका मतलब यही है कि सेक्टर एफ के रेजिडेंशियल प्लॉट्स तकरीबन सारे ही क्लियर्ड हैं। आई रिपीट, तकरीबन सारे ही क्लियर हैं। 12 मरला 10 मरला की लैंड के ऊपर आप देख सकते हैं कटिंग हुई हुई है, लीनियर पार्क के ऊपर भी कटिंग हो चुकी है, 7 मरला के ऊपर भी कटिंग हो चुकी है। 7 मरला के करीब चूँकि अनऑक्युपाइड लैंड है इसलिए इन्वेस्टमेंट वाइज अच्छी लोकेशन करंटली करंट सिचुएशन के लिहाज से मुनासिब नहीं लगती, बिकॉज इसके पीछे जो 180 फीट की रोड है उसके ऊपर लैंड कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास नहीं है, रिंग रोड 180 फीट की। सेक्टर एफ को जब आप गूगल अर्थ के ऊपर एनालाइज करते हैं तो आपको यही लगता है कि 7 मरला की मेजॉरिटी स्ट्रीट्स के ऊपर काम ही नहीं हुआ सिवाय 1 या 2 स्ट्रीट्स के।
जबकि गूगल अर्थ के अलावा जब आप ड्रोन फुटेज को एनालाइज करते हैं तो आपको बड़ा सरप्राइज मिलता है कि यहाँ पर कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने 7 मरला की तकरीबन सारी ही लैंड के ऊपर कटिंग कर दी हुई है। ये छोटा मकान जो आपको 4 मरला की स्ट्रीट के ऊपर नज़र आ रहा है, इसको ध्यान से रखिएगा जहन में, क्योंकि यही छोटा मकान आप पीछे देख चुके हैं, इसके इर्द गिर्द लैंड क्लियर्ड है, ब्राउनिंग का काम शुरू है। यहाँ पर करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है कि ड्रोन फुटेज और गूगल अर्थ की इमेज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने में आ रहा है। इस वजह से कम्बिनेशन ऑफ गूगल अर्थ एंड ड्रोन फुटेज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले, और इस लेटेस्ट ड्रोन फुटेज में ये चीज़ क्लियर हो रही है कि सेक्टर एफ़ का 7 मरला तकरीबन 90-95% क्लियर है, जबकि इसी तरह बॉटम साइड पे आप देखें 10 मरला और 12 मरला की ज़मीन के ऊपर भी काम नहीं हुआ, जबकि सरप्राइजिंगली आप जब ड्रोन फुटेज में देखेंगे तो यहाँ पर भी कटिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। यही बात साबित कर रही है कि गूगल अर्थ की इमेजरी पुरानी है, हालांकि 5th month of 2022 लिखा हुआ है, लेकिन पिक्चर्स अपडेटेड नहीं है, गूगल मैप का एरर है, इमेजरी पुरानी है। लेटेस्ट ड्रोन फुटेज में सेक्टर एफ ऑलमोस्ट क्लियर है सिवाय कमर्शियल के प्लॉट्स। 7 मरला को ट्रू वैल्यू तब भी मिलेगी कि रिंग रोड 180 फीट की जो बैक साइड के ऊपर है न्यू टेक फेसिंग, वो लैंड जब तक कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट एक्वायर नहीं कर लेती और कमर्शियल्स की लैंड एक्वायर नहीं कर लेती, तब तक 7 मरला या सेक्टर एफ अपनी ट्रू वैल्यू हासिल नहीं कर पाएगा। इसकी एग्जांपल आप गुलबर्ग से ले लें या किसी भी हाउसिंग सोसाइटी से ले लें, इवन बैरिया टाउन से ले लें, जो सेक्टर्स गांव के बीच में हैं या गांव के करीब हैं उनकी वैल्यू ओवरऑल बाकी सेक्टर से कम होती है। सेक्टर एफ के ऊपर ड्रोन फुटेज के साथ ऑथेंटिक यही एनालिसिस है कि 7 मरला की लैंड तकरीबन 90-95% क्लियर्ड है, 10 मरला और 12 मरला की 100% लैंड क्लियर है इंक्लूडिंग लीनियर पार्क के। ये गवर्नमेंट रोड है, इसकी बॉटम साइड के ऊपर 180 फीट की एक्सेस रोड 1 होगी, जिस पर जब रिंग रोड की लैंड एक्वायर्ड हो जाएगी तब एक्सेस रोड 1 को और रिंग रोड के ऊपर काम शुरू हो जाएगा साइमल्टेनियसली और इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। जी व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें सेक्टर एफ का और डॉक्टर इनक्लेव का डिटेल एनालिसिस किया गया है, और डिटेल एनालिसिस से ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुई हैं, और ये चीज़ें क्लियर करने का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी लाना है लैंड इश्यूज़ की और डेवलपमेंट की कैपिटल स्मार्ट सिटी के सेक्टर एफ में। गूगल अर्थ की पुरानी इमेजरी है, वहाँ पे 5वां महीना लिखा गया है, लेकिन उसको जब रिफ्रेश करते हैं तो 11th month of 2021 है, इस वजह से कन्फ्यूजन हुई, उसके लिए माजरत, और अपडेटेड करेक्टेड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सेक्टर एफ में कमर्शियल की एक पट्टी है जिसके ऊपर अभी लैंड एक्वायरेशन फेज़ चल रहा है, और रिंग रोड 180 फीट वाली उसके ऊपर भी लैंड एक्वायरेशन का फेज़ चल रहा है। रेजिडेंशियल के तमाम प्लॉट्स 7 मरला के 90-95%, जबकि 10 मरला और 12 मरला के 100% वो क्लियर हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। गलती करना और गलतियों से सीखना ही ज़िंदगी का हिस्सा है। ओल्ड वीडियो में गूगल अर्थ की इमेज की वजह से जो मैंने 60-70% कहा कि लैंड का इशू है, वो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, इशू है ज़रूर, लेकिन कमर्शियल्स के प्लॉट के ऊपर और रिंग रोड 180 फीट की रोड सेक्टर डी से अटैच्ड उस पर भी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पर दिए गए नंबर पर रابطہ आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।